अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और ये हमारी है फर्स्ट ईद, मेरी फर्स्ट ईद का लुक। और ये जो है मैंने वो वाला ड्रेस वेयर किया है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। आपने दिया था? नहीं मुझे और ये लेकर आए थे अकेले अकेले जाकर। तो खैर ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं। आप रेडी हो गए हो? हैं? और कैसी लग रही हो मैं मुझे बताओ अच्छी लग रही है। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं, मैं अपने जा रही हूँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। और शीर खोला बनाया था वो लेकर जाऊँगी, ठीक है ना? तो अभी हम लोग साथ चलते हैं। और आप सबको भी मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी ईद, ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको। जी आपकी तरफ से भी ईद मुबारक, ठीक है जी? तो बस खुश रहे, खुशियाँ बांटें। अभी जो है ना हम लोग चलते हैं और मदर इन लॉ के पास जा रही हूँ मैं। ये देखिए मेरी स्लीपर, मेरी मेहंदी, चले मेरा फेवरेट। हाँ रेडी व्यूवर्स, आप सब के लिए आ रहे चले शीर खोरमा खाते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह शीर खोरमा लाई हुई है। हम तो मासी बने हुए हैं भाई, लहसुन अदरक में हो रहे हैं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें, आपको भी हजारों ईदें ऐसी नसीब करे अल्लाह ताला। ईदी तो दो तो हमें तो ईदी भी दे दे। अब ऐसे तो नहीं होता भाई, हम जा रहे हैं। ये तो सीरियस है अभी। ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। अरे पापा ये क्या जरूरत थी? अरे कोई जरूरत थी? मैं सीधी बात कर रहा था। हां मैं सीधी सीधी बोल रहा हूं, सीधी सीधी सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। हमने भागी और नहीं पापा बैठे। नहीं नहीं बैठ, वो मेरे से बात करना चाह रहा है। ऐसी फौरन करा तो मैं समझ गई, मैंने कहा है वो ना माशाल्लाह जबरदस्त बनाया भाई। मैं भी तो खाऊंगी ना, बचा दे। हाँ पहले खा के देख ले, अच्छा ही बना होगा। तो मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक खुशी, आप लोग देख सकते हो कि माशाल्लाह से सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरा ये कि मेरे ससुराल मुझसे कहने लगे कि अंबर तुम आई हो ना तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ईद है, और माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक सी हो गई है। और मीठा लेकर आई तो ये बहुत मज़े का बना हुआ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम सब लोगों ने मिलकर खाया और बहुत जो है ना अच्छे से इंजॉय किया, अच्छे से वक्त गुजरा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये है, और ये जो तोता है ना, ये पता नहीं बस मुझे देखता है, ये मेरे पास आकर बैठ जाता है और बोलने लग जाता है मेरे पास आकर।
तो ये तोता ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा हिल गया है। मेरे घर में भी जो मेरा तोता है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा जो है मतलब ज़ाहिर है वो तो मेरा पला हुआ तोता है, लेकिन ये तोता भी मुझे ना जब भी देखता है तो मेरे पास आके इस तरह से बैठ जाता है, और ये अभी मुझे किस तरह से देख रहा है और बातें सुन रहा है, भी आप लोग भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना हम सब लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और मीठा मीठा खा रहे हैं, शीर खुरमा भी खा रहे हैं, और इस तरह से जो है ना अपनी ईद को सेलिब्रेट और इन्जॉय कर रहे हैं बहुत भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से। और फिर पापा कहने लगे कि जो तुम्हारी मेहंदी लगी हुई है ना, ये तुम्हारे सूट के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। और वाकई में जब मैंने बाद में नोट किया तो वाकई में ऐसा हो रहा था। और जो मज़ीद आपके लोगों के साथ जो पिक्चर्स मैं अपलोड जो है ना शेयर करूँगी ना अपने इंस्टाग्राम पर, तो उसमें भी देखिएगा कि जो है ना मेहंदी और सूट का जो बॉर्डर था वो बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था। तो और यहाँ पर मदर इन लॉ ने बनाया था कीमा, खड़े मसाले का कीमा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ था, और काली वाली दाल बनाई थी, सलाद था। और कहने लगी कि ये हरी मिर्चें जो है ना स्पेशली ये तुम्हारे लिए रखी हैं, क्योंकि मैं हरी मिर्चें बहुत शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग मिलकर हम जो है लंच करेंगे, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, तकरीबन 3 बजे का कुछ इस तरह का टाइम था। और डिनर पर जो है ना वो तो अम्मी के वैसे ही दावत थी, मतलब रात में मुझे अम्मी के घर जाना था, वहाँ पे डिनर की दावत थी। और लंच मैंने जो है ना अपने ससुराल में किया था, यहाँ पर जो है ना कीमा बना था और आलू बने थे और साथ साथ में दाल बनी थी। तो रात में तो वैसे भी जो है बिरयानी और ये सब तमाम चीज़ें होनी थी, तो इसलिए हमने दोपहर में जो है सालन और इस तरह की कीमा टाइप की कुछ चीज़ें बनाई थी, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। फिर हम सब ने जो है ना साथ बैठकर खाना खाया सबने, और उसके बाद जो है थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। और शाम के लिए जो है ना मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ चीज़ें सरप्राइज़ की हुई थी, तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शाम हो, मतलब थोड़ी सी धूप ख़त्म होना था, फिर मैं अपने हस्बैंड को थोड़ी सी चीज़ें लाने के लिए भेजूंगी और उनको सरप्राइज़ दूंगी, मतलब उनका बर्थडे भी था तो उनको सरप्राइज़ देना था। सर पे धूप है, अपने सनग्लासेस रख लो, तस्वीर अच्छी आ जाएगी। अच्छा ओके जी व्यूवर्स, तो जो है मैं यहाँ पे घर पे आ चुकी हूँ, और मतलब पहले सुबह में उठी हूँ, सुबह तो नहीं उठी, खैर दोपहर में उठी, दोपहर में उठ के अपने ससुराल गई, वहाँ पे शीर खावा ले गई और सबको जो है विश किया, बहुत मज़ा आया। देन मैंने ईदी भी बटोरी, और फिर ईदी लेके हम लोग खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, बातें बातें की, उसके बाद हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ छत पर जो है फ़ोटोशूट के लिए, तो वो वाला फ़ोटोशूट जो है आप लोगों को दिखाऊंगी अपने जो है पूरे आउटफिट का और अपने लुक का, और हम दोनों साथ में पिक्चर्स बनवाएंगे। हमारे पिक्चर बनाने के लिए कोई नहीं, तो मैं जो है ट्राइपॉड लेकर जाऊँगी, और इसके अलावा जो है वो पिक्चर्स अगर देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। और असर हो गई है, तो इसके बाद शाम में जाऊँगी मैं अम्मी के घर। चले ग्लासेस, चले रख रही हूँ यहाँ पे छत पे, इधर आओ। ये क्या कर रहा है? मैं आऊँ ईद मुबारक मियाऊ मियाऊ। अच्छा जी, हम यहाँ पे फोटो शूट कराएंगे अपना, ग्लासेस भी लेकर आई हूँ मैं। अपने ग्लासेस लगाए हुए नहीं? नहीं, ये वो वाले ना सन में जाके जो हो जाते हैं सनप्रूफ। अच्छा, मतलब ये आप घर में लगा के घूम रहे थे? हाँ ना। Seriously? वीडियो बन रही थी। इस बिल्ले को देखो कैसे पड़ा हुआ है। माओ माओ, उई चाची, ये क्या किया इसने? तो मैं छत से शूट करा कर आई, तो उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी, और सोने
के उठने के बाद जो है ना चाय की बहुत ज़्यादा एक नीड होती है ना, तो बस वही हो रही थी। तो फिर मैंने जो है सबके लिए फिर चाय बनाई और फिर चाय हम सब लोगों ने मिलकर पी, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने मदर इन लॉ के बैठे बैठे सोचा कि चलो मेहंदी लगाया जाए उनकी। तो मेरे पास जो है ना दो कोन रखी हुई थी, एक कोन में तो मेरे मेहंदी लग चुकी थी लेकिन एक कोन मेरे पास रखी हुई थी, तो उसी कोन को उठा कर जो है ना फिर मैंने अपने मदर इन लॉ के हाथ रख दिए यहाँ पे माशाल्लाह से। थैंक यू अंबर, अच्छी लगाई है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू अम्मी, आपको पसंद आई, मेरी मेहनत वसूल हो गई बस। उसको सेट कर दो यार। अम्मी डब्बे में रखे यार शादी बोले चीज। तो ये सरप्राइज़ देना था मुझे अपनी मदर इन लॉ को, उनके लिए जो है ना मैंने केक मंगवाया, गजरे और बुके मंगवा लिया था और उनको अब जो है मैं देने जा रही थी। और जितनी देर में मैंने मेहंदी लगाई ना उतनी देर में मेरे हस्बैंड सारा का सारा सामान लेकर आकर जो है ना घर पर डाइनिंग एरिया में रख दिया था, मतलब डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। और इसके बाद जो है ना फिर मेहंदी लगा के मैं फ्री हुई हूँ जैसे ही, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और फिर मैंने एक बड़ा सा एक ट्रे लिया, देन उसके अंदर सारी चीज़ें रखी, उनको सजाया बहुत ही प्यार से। और बस यही नीयत थी कि जो है ना अम्मी खुश हो जाएंगी, मतलब मेरी मदर इन लॉ खुश हो जाएंगी, और बस जो है ये मेरी छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स थी। तो ये था। अच्छा, इसके बाद जो है ना थोड़ी सी कैंडल्स वगैरह भी मंगवा ली थी और इनको सबको जो है ना केक पे लगा कर और माचिस की मदद से इनको जला कर मैं जा रही थी। जैसे ही मैंने बैलकनी का दरवाज़ा खोला तो ये बुझे जा रही थी बार बार, ये बड़ा मसला हो रहा था। अच्छा जी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप अम्मी के पास जाइए और उनको बोलें कि मुझे मेहंदी की थोड़ी सी वीडियो बनानी है। और यहाँ पर मैं बड़ी एक्साइटेड होकर ना कैंडल्स को लगा रही हूँ कि अम्मी बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड और खुश हो जाएंगी, और उनका जो रिएक्शन था ना वो मैंने रिकॉर्ड किया है अपने पास। तो अभी आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो वो भी आप लोगों को मैं इसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। सही है, तो ये है बस, हमें और क्या चाहिए, हमारे बड़े खुश, हम खुश, हम खुश, हमारे बड़े खुश, बस ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है। और यहाँ पर जो है ना बुके नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी जो है ये पहले देकर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक बुके जो है ना नेक्स्ट चक्कर में ले जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सारी कैंडल्स जलाऊंगी और बस आप लोग भी जो है ना कमेंट्स में सब विश कर दीजिएगा, साथ साथ में जो है ना माशाल्लाह भी ज़रूर बोल दीजिएगा। तो हमने अपनी ईद को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया और इस तरह से जो है ना इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से। फिर मैंने अपनी अम्मी को भी फ़ोन करके कह दिया था कि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़े से काम है, और यही काम कर रही थी मैं कि यहाँ पर जो है ना थोड़े से सरप्राइज़ वगैरह मैंने प्लान किए हुए थे, तो वो बस अपनी मदर इन लॉ को देने थे, देन उसके बाद सारे कामों से फ्री होकर ही मुझे अपने घर जाना था। हैप्पी बर्थडे अम्मी, पहले जल्दी से फोन मार दे। कहा छुरी लियो और वो अल्लाह, अरे क्यों आपके लिए आपको भी अल्लाह सलामत रखे हमेशा हमेशा, और खुश भी रखे और अभी मेहंदी लगाई है तो जबरदस्त इसकी तो बनाओ, इसकी अम्मी मेहंदी लगवाओ, मेहंदी लगवाओ लगाते हुए बनाई थी थोड़ी सी, हाँ हाँ लगाने के बाद दिखाई भाई।
अरे वो है मी बस गिफ्ट आपका जो ना वो पेंडिंग पर है। अच्छा वो अब जो है ना अभी भी बात चल रही है तो अभी अपन कहाँ पे चले कब चले जहाँ आप बोलेंगी बस वहाँ पापा लेकर जाएंगे। अभी पापा हाँ भाई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, यहाँ पे वो लोग बच्चों से पूछना मेरी कोई वो नहीं है। नहीं भाई आपकी बर्थडे आप बताइए, मुझे पता ही नहीं है किधर जाना है। सुबह से ये मैंने उनको आप जब खाना खा रही थी ना हम जो हम बिन बिन कर रहे थे कार्टून हाँ काटो में। हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे। ईद का दिन और सरप्राइज हो गया अचानक। और मैं बोल रही हूँ अम्मी सोच रही हूँ कि अम्मा ने मुझे विश नहीं किया है। मैं खुद भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था। कब हो गया आप पकड़ लो नहीं नहीं अपन चले ये चौथे हां हां इधर का दावत खाते दो से दिन फौरन जो दवा भी कर रहा है। हां सही इधर भी साथ हो गई। हां सही जाए। हां वेलकम मेन्यू और मेन्यू दोनों सेट कर दो। मैंने मेन्यू बोल दिया मैं लेट आऊंगी थोड़ा ना आज। अच्छा वो उधर जा। हां बड़े तुम जा अंदर का दरवाजा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अंबरनाथ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ बाय बाय।